ठीक है जी आज कुछ हम इंपोर्टेंट चीजें देखने वाले हैं के नीर एस नेबर की बेस पे कि के नियर एस्ट नेबर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ये कैसे काम करता है जैसे कि हमने कल अपनी क्लास के अंदर देखा था और आज जो हम काम करेंगे वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी देखेंगे बिहाइंड के नियर एस्ट नेबर और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं के नियर एस नेबर के पीछे और किन चीजों के ऊपर के नियर एस्ट नेबर जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है ठीक है इन चीजों को देखने के बाद हम ये भी अंदाजा लगाएंगे कि के नियर नेबर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है इम्प्यूटिंग नल वैल्यूज विथ के नियर नेबर सो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि नल वैल्यूज को मैंने आपको बोला था ना कि मशीन लर्निंग के थ्रू भी हम इम्प्यूट कर सकते हैं अदर देन मीन मीडियन मॉड हम मशीन लर्निंग के साथ इम्प्यूट कर सकते हैं सो दैट इज के नियरस्ट नेबर इम्प्यूटर आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ उसके साथ हम नल वैल्यूज को मशीन लर्निंग के साथ आप कैसे इम्प्यूट कर सकते हैं वो सारी चीजें भी हम देखेंगे And then afterwards we will also see के आप किस तरीके से और बाकी जो एल्ग्रिथम है यूटिलाइज कर सकते हैं uh, इस वजह से आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी होगा इंपॉर्टेंट भी होगा तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने चारों तबके रोशन रख के मेरी बात सुनते जाइएगा अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी लेटर उनके आपको फिर समझ नहीं आएगी राइट right? जी स्टार्ट करते <coughs> जी तो आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी ओके हो गया ठीक है जी के नियरेस्ट नेबर क्या होता है आपको मैंने कल भी समझाया था अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे के एन एन के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट चीजें होती हैं ठीक है हमने कल ड्रॉ किया था के नियरेस्ट नेबर समथिंग लाइक दिस ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगाए थे और फिर हमने सोचा था कि चलो ठीक है ये पॉइंट्स लग गए अब इनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीजें लगाने के बाद ठीक है क्लासिफिकेशन कैलगोरी तो हमने देखा था और फिर हमने रेग्रेशन कैलगोरी देखा था आपको कुछ चीजें मैंने कल समझाई थी कि अगर एक अननोन पॉइंट यहां पे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज एन अननोन पॉइंट अगर ये यह पॉइंट यहां पे आता है तो इस पॉइंट को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और इस पॉइंट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस रेड पॉइंट ठीक है अब इशू ये होते हैं कि हमें ये तो पता है कि इसके इर्द गिर्द वाले पॉइंट्स देख लेने हैं। लेकिन ये इर्द गिर्द वाले पॉइंट्स के पीछे मैंने आपको बोला था एंड्रॉइड का इशू होता है आपका डिस्टेंस मैयर करने का इशू होता है और बहुत सारी चीजें और होती हैं जिसके लिए कल मैंने आपको यूकलीडियन या यूसिलेडियन हर हर तरह के नाम लोग रहते रहते हैं मैं आपको एक प्रॉपर बात बता देता हूँ कि डिस्टेंस आप मैयर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर एग्जाम्पल हम ये डिस्टेंस को मैयर कैसे कर सकते हैं एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से फिर इसी पॉइंट का अगले पॉइंट से फिर इसी पॉइंट का अगले पॉइंट से ये जो डिस्टेंस मैयर करने की टेक्निक है इसके अंदर दो से तीन मैथड यूज होते हैं हम उनमें से एक जो है वो उसे अप्लाई करते हैं या हम तीन से चार मेथड जो हैं जितने भी वहां पे पड़े हुए हैं उनकी बेस पे हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं यूक्लिडियन एंड मैन हैटेन क्या होते हैं इसके बारे में आज हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे और इतना आसान है कि आप मतलब इजी इजी बिजी इतना है कि आप कहेंगे कि यार ये तो वही आ गया जो, जो हम को चेक करते थे बेस्ड ऑन द बेस एंड आपको याद होगा जब आपको समझ लगेगी लग सो so, uh, हम उनको देखेंगे इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स और सेकंड हमारा होता है वोटिंग मैकेनिज्म जो मैंने कल आपको बताया था सो so, के एन केयन नेबर के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पहला है जी आपका डिस्टेंस मैट्रिक्स यानी कि आपके डिस्टेंस को किस बेस पे आप मैयर करेंगे मैट्रिक्स डिस्टेंस के मैट्रिक्स ठीक है मतलब ये कि इस अननोन पॉइंट का आपके आने वाले पॉइंट से कितना फर्क है यानी कि जो उस एरिया में आते हैं उन पॉइंट्स का हम डिस्टेंस मैयर करेंगे और उस डिस्टेंस की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी क्लास के अंदर हमने भेजना है या कौन सी वैल्यू हमने देनी है ठीक है अब यहाँ पे डिस्टेंस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें दो बड़े मशहूर जमाना डिस्टेंस मैट्रिक्स हैं नंबर वन इज यूक्लिडियन डिस्टेंस जिसके स्पेलिंग है ई यू सी एल आई ई यू सी एल आई डी ई एन यूक्लिडियन डिस्टेंस और दूसरा है जी हमारे पास मैनहैटन ये यूएसए की एक स्टेट है आई थिंक सो मैनटन मैनहेटन साढ़े देसी जाके उसे कहें मोनोहाटिन च रहना सो मैनटन इज ए स्टेट आई थिंक सो उसकी बेस पे ये डिस्टेंस निकाला गया और इसकी बड़ी एक एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे वाले देने वाला हूं आपको ये कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे दोनों बिलीव में और आप देखेंगे कि इसकी इक्वेशन भी आपको कभी नहीं भूलेंगे ये सिटी है जी न्यूयॉर्क का लोग कह रहे हैं चलें ठीक है मैं मान लेता हूँ इसके अलावा और भी हैं ठीक है जिनको हम लिखते हैं यहाँ पे मिंग डिस्टेंस फिर हमारे पास आ जाता है कोसाइन डिस्टेंस फिर हमारे पास हैमिंग डिस्टेंसाइन कोसाइन कुसाँग, और हैमिंग डिस्टेंस भी हम इसे बोलते हैं कोसाइन और हैमिंग डिस्टेंस सही हो गया नहीं सॉरी और डिस्टेंस। ये हमारे पास पांच किस्म के डिस्टेंसीज हैं। इनमें से कोई भी आप चूज करते हैं बेस्ड ऑन योर आइडिया कि कौन कौन से डिस्टेंस आप आपके पास हैं और आप इनको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट पॉइंट ए हमारा जो है है वो नॉन और पॉइंट बी हमारा जो है वो अननोन पॉइंट है, है या आप पॉइंट ए को नॉन रख लें अननोन रख लें और पॉइंट बी को नॉन रख लें सब तो ये लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही होना ना दोनों का अगर आप गौर करें मैं फैसलाबाद से लाहौर जाता हूँ तो फिर भी उतना डिस्टेंस है लाहौर से फैसलाबाद आता हूँ फिर भी उतना ही डिस्टेंस है क्या ख्याल है चेंज तो नहीं होता ना सो so, इस वजह से ये डिस्टेंसिस हमें देखने पड़ेंगे हमने जो आज देखने हैं वो डिस्टेंसिस हैं जनाबे वाला And Minkoski, आप देखेंगे दिस इज योर असाइनमेंट बाकी ये दो जो हैं इनको पढ़ लीजिएगा यूजली पहले तीन ही यूज करते हैं दिस इज योर असाइनमेंट आपने देखना है इसकी इक्वेशन और चीजें दो मैंने आपको बताने ठीक है जी अब बात करते हैं जनाब यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है और इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं राइट right जी रेडी हैं आप लोग देखने के लिए इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल मैं ये देता हूं कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस देखना है ठीक है है उसके लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे काम करता हमारे पास से फॉर ये एक इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं पॉइंट 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 ए ए दिस दिस इज इज एंड बी ठीक है इन दोनों का हमने डिस्टेंस देखना है या इसको पी वन और पी टू भी कह सकते हैं या हम पी और क्यू भी कह सकते हैं सब टू यू लेकिन मैं यहां पे सिंपली आपको लिख के बता रहा हूं कि इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी कह रहे हैं पॉइंट वन एंड पॉइंट टू ठीक है अब जब हम कोई डिस्टेंस मैयर करते हैं उसके कितने तरीके हैं आपको शायद पता है कि बचपन के अंदर आपने जब डिस्टेंस मैयर करना होता था तो आप क्या करते थे या तो इसको डायरेक्टली मैयर कर लें ठीक है फ्रॉम हेयर टू हेयर या आप क्या करें इसको ऐसे ड्रॉ करें और इस तरीके से मैयर कर लें ऐसे ही है ना एक्सिस एक्सिस और और पे वो लाइन लगाते थे और इसके बाद मसला फीस, फीसा गौरस शायद आपको याद हो किसी को याद है? या नहीं याद अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि अगर हम बेस और वाई इसको देखते थे तो हम, हमने जब उसका वो हाइपोटिन्यूज निकालना होता था तो उसका हमारे पास क्या एल्गोरिथम होता था हाँ जी किसको याद है अपनी चैट में मुझे लिख के बताएंगे कि ये वाला हमारे पास मसला फिसा गौरस है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूं ए इसको कहूं बी और इसको कहूं सी ए बी सी तो हमारे पास ए सी का जो डिस्टेंस है यूजली ये होता था मसला फीसा गौरस जो है ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लेकिन इसके अंदर एक और चीज आती थी वो क्या थी आप इनके स्क्वेयर्स लगा देते थे आपको याद आया कुछ इस तरीके से समझ आ रही बात की हम हम ये कहते थे कि हाइपोटिनोस का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का और जो हमारी बेस है ऐसे ही मतलब ये वितर का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक होता था अम, क्या उसे बोलते थे अमूद कहते थे और दूसरे को हम क्या कहते थे बेस को बेस को कुछ बोलते थे मतलब बेसिक बच्चों वाली एग्जाम्पल अगर मैं कहूं अब आपको मैं यहीं से बताता हूं यहां पे अगर मैं ए सी निकाल ल तो मैं क्या करूंगा इसका स्क्र रूट ले लूंगा ठीक है याद है ना आपको स्क्वेयर जो है वो रूट के साथ कट जाता है और यहां पे मैं कहूंगा ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्कूल रूट ये इसके साथ कट गया पीछे हमारे पास क्या बचा ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी स्क्तर प्लस बी सी ही है और इसका अंडर रूट, रूट, या इतनी बात समझ आती है कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें कोई मसला मसाइल आपको अभी तक हो फुली होना तो नहीं चाहिए ठीक है अब हमारे पास जो यहां पे, अगर मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा वैसे बड़ा कर लेता जस्ट टू है

एक्स टू कह दिया यहां पे नजर आ रहा जी आपको इसी तरीके से मेरे पास आ जाएगा ए और बी का डिस्टेंस अब यहां पे एक छोटी सी साइंस आपको मैं समझा दू अगर मैंने ये वाला एक डिस्टेंस मापना है तो मैं क्या करूंगा इस बड़े वाले से इसको मैं माइनस कर दूंगा राइट समझ आ रही बात की मैं क्या करूंगा इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है यानी कि ये जो है ये एक्स टू है हमने इसमें से एक्स वन माइनस कर देना है यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक आपको समझने में एक्स टू माइनस एक्स वन अब एक्स टू माइनस एक्स वन के लिए ए बी को अगर हम कहें एक्स टू माइनस एक्स वन तो हमारे पास क्या आ जाता है यहां पे जी अगर मैं दोबारा से ये इक्वेशन यहां पर लिखूं ए सी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन और इसका स्क्वायर राइट right? समझ आ गई बात की इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बी और सी का डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहां पे इसको ले आऊंगा और यहां पे ले आऊंगा सी को ठीक है इसको मैं बोलूंगा वाई वन इसको वाई टू तो यही डिस्टेंस अगर वही चीज हम लगाएं तो ये यह यहां पे हो नहीं जाएगा प्लस वाई वन माइनस वाई टू वाई टू माइनस वाई वन सॉरी और इसका स्क्वायर और इन दोनों का फिर अंडर रूट अगर मैं इस 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 इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो इट वुड बी लाइक दिस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस सॉरी यहां पे आना वाई वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और इसका अंडर रूट राइट अब यहां पे आपको ये तो समझ आ गई है कि ये किस तरीके से सारा मसले मसाइल जो है यहां पर चल रहे हैं इसमें कोई इशू तो नहीं है ना आपको यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना ये है एक्स और वाई जब आपके पास हो यानी कि एक्सिस एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स और एक्स 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 हो अगर जी भी आ जाता है ना सो यू विल थिंग हियर जिसको हम बोलेंगे यानी कि थ्री डायमेंशनल डेटा स्पेस के अंदर दिस इज फॉर थ्री डायमेंशनल अगर आप इसमें से जी निकाल दें तो ये आपके पास टू डायमेंशनल हो जाएगा और इसी चीज को हम फॉर्मूला और कुछ नहीं है तो इससे हमें डिस्टेंस तो पता चल जाएगा ना एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से जो हमारा मेन यहाँ पे मुद्दा है अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना आपको समझना कि ये किस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है राइट ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है यूक्लिडियन डिस्टेंस की ठीक है और यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर आपने कोडिंग की जुबान के अंदर लिखना हो तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला लिखना पड़ता है दैट इज समथिंग लाइक दिस मैं अभी आपको बता दू अगर हम इनको x1 और x2 की बजाय p और q बोलते यानी कि एक पॉइंट ये वाला p है और ये q है तो उन्होंने अक्सर औकात आपको P और Q की बेस पे इक्वेशन दी होती है मतलब point A is B, point B is Q. मतलब पॉइंट 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 A इज इज P B Q ये जो एंड का डिस्टेंस है इन्हें P Q कह दिए तो तो आपको पता है कि यहां पे आपके पास इक्वेशन आई जाती है फिर इजीली तो उन्होंने इस तरीके से आपको अक्सर औकात इक्वेशन बताई होती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह पे लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से भी इक्वेशन आ सकती है कि स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन की बजाय लिखा होता है पी वन माइनस क्यू वन ये सेम वही चीज है जो मैंने आपको करके दिखाई है इनका स्क्वायर और स्क्वेयर की बजाय उन्होंने यहां पे हैट लगा के टू लिखा होता है ठीक है सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट प्लस आपके पास यहां पे आ जाएगा जनाब p2 टू माइनस क्यू टू इसका स्क्वायर और अगर आपके पास n वैल्यूज हो तो यही सारा कुछ Pn एन माइनस क्यू में चला जाएगा और उसका स्केयर और फिर इस सभी का जो स्केयर रूट हमने लिया हुआ है ये वाला ये मैंने या तो ऐसे लिख सकते हैं या आप ऊपर लगा दें सो एट दी एंड हमारे पास ये चीज होती है और इसको इक्वल टू डी के बोलते हैं यानी के डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट दो हम कहते हैं मिंग सॉरी यूक्लिडियन डिस्टेंस ठीक है अब ये वही डिस्टेंस है अगर मैं आपको एक मिसाल दूं मिसाल देके समझाऊं यूक्लिडियन डिस्टेंस हमारी जिंदगी में कहां पे यूज होता है आपको फौरन फट से पता चल जाने कहां पे होता है कभी फ्लाइट में सफर किया हो या आपका कोई दोस्त गया हो फ्लाइट के अंदर जो हमारा अर्थ मैप के ऊपर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो बेसिकली एक यूक्लिडियन डिस्टेंस की तरह मापा जाता है मतलब बिल्कुल वो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने सो दिस इज समथिंग लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस ठीक है अब चलते हैं मैनहैटन डिस्टेंस की तरफ बहुत आसान मैनहैटन डिस्टेंस भी असल में डिस्टेंस क्या है पॉइंट वन से पॉइंट टू का डिस्टेंस नथिंग मोर और नथिंग लेस अब चलते हैं मैनहैटन की तरफ मैनहैटन डिस्टेंस क्यों है कैसे है किस वजह से अभी मैं आपको समझाता हूं और आपको समझ आ जाएगी मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूंगा फिर बताऊंगा कि इसकी इक्वेशन क्या है मैन डिस्टेंस अगर आपने किसी को रास्ता बताना हो आप किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं आप कहते हैं कि यार यहां से तुमने यहां पे जाना है ना तो तुम ऐसा करो ये रोड सीधी जाओ सीधी जाके वहां से लेफ्ट टर्न ले लेना ले सामने तुम्हारे पास वो बिल्डिंग आ जाएगी तो इसके अंदर क्या होता है

जो न्यूयॉर्क में मेरे ख्याल से अभी मुझे बताया गया सिटी है वहां पे ब्लॉक्स की फॉर्म में घर होते हैं इस तरीके से ठीक है फिर ऐसे बीच में रोड्स होती हैं समथिंग लाइक दिस पता है ना आपको तो अगर आपने यहां से इस घर से इस घर में जाना है ना वो कभी भी ये नहीं कहेंगे या इस घर में जाना है ना वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अब हो जाए दरवाजे खोल के या छतों के ऊपर से चले जाओ फॉर दैट यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट सो इस वजह से जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस मापते हैं ना मैं पॉइंट्स कह रहा हूं नहीं, ठीक है या आप इसे कह लें कि पॉइंट वन से पॉइंट टू का डिस्टेंस आप मापते हैं ना तो आप इस तरीके से नहीं मापते आप इस तरीके से मापते हैं कि आपके पास यहां से यहां का डिस्टेंस हो प्लस दिस वन ऐसे ही है ना अगर आप किसी को बताएंगे कि ये घर उस घर से कितना दूर आप कहेंगे एक किलोमीटर सीधा जाओ फिर लेफ्ट पे ढाई किलोमीटर होना है तुमने, किलोमीटर so तो की अब इसको फाइंड आउट करते हैं अब इसमें एक चीज है और इक्वेशन समझाते हुए मैं आपको यह चीज बड़ी क्लियरली बताने वाला हूं मेरे साथ रहिएगा जाइएगा मत कहीं ब्रेक नहीं आने वाली मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रहना साहब अक्सर वो कहा था भूल जाते हैं कि यार ये बंदा पढ़ा रहा है उसे अपने पानी पीने खान तुले उमर भाई ऐसे ही है उमर भाई अक्सर इस वक्त खाना खा रहे होते हैं कोई मसला नहीं है खाना खाएं लेकिन मेरी बातों की तरफ ध्यान दीजिएगा अब मैंने क्या करना है यहां पे लाइन लगाने का फायदा कोई नहीं है बट आपकी तसली के लिए लगा देता हूँ ये हमारे पास है जी ए ये है बी ये है सी हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे ही है और ये दोनों डिस्टेंस हमारे हो गए बी से यहां तक वाई वन ये दिस वन इज वाई टू तो हम इसको कह देंगे वाई टू माइनस वाई वन अब मुझे एक बात बताएं अगर कोई बंदा यहां से यहां जा रहा है हम कहते हैं कि ये वन किलोमीटर एंड दिस वन इज वन पॉइंट फाइव किलोमीटर तो ये कितना बन गया ढाई किलोमीटर और फॉर्मूला इसका ये है वन प्लस वन पॉइंट फाइव सही है जी समझ आ गई बात की और अगर वो बंदा इधर से इधर आ रहा है तब भी तो सेम डिस्टेंस नहीं है 1.5 1 लेकिन प्लॉटिंग के अंदर एक रोला होता है वो ये रोला होता है कि यार जब आप इससे इसका डिस्टेंस मापते हैं ना x2 से x1 तक आने का वो माइनस में आना स्टार्ट कर देता है फिर दैट इज वाई मैनहेटन डिस्टेंस के अंदर आप एप्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं मतलब जितनी माइनस है सभी को प्लस कंसिडर करना है जितनी माइनस है सभी को प्लस कंसिडर करना है मतलब ये अगर कोई बंदा यहां से वापिस आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा माइनस वन पॉइंट फाइव आया फिर बाद में माइनस वन आया ऐसा नहीं होता डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस इस वजह से एब्सोल्यूट होता है कभी सोचा है कि एक हाँ एक डिस्टेंस हो, हो सकता है नेगेटिव ब्लैक होल का कि तुम बेच गए हो माप ही नहीं सकते वह बंदा गायब या ब्लैक होल का या ब्लैक यू नो वट आई मीन तो ये दोनों चीजें जो हैं आपको मद्देनजर रखनी चाहिए और यहाँ पे आ, हमारे पास माइनस वन वन पॉइंट फाइव एंड माइनस वन ये दो चीजें आपको याद रखनी है अब यहां पे मेरे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी बड़ी सिंपल सी बनेगी कैसे सिंपल बनेगी मैं अभी आपको दिखाता हूं हमने डिस्टेंस जैसे मापना मैंने आपको बता दिया अब हम इस डिस्टेंस की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या होगी हमने यहां से ये वाला निकालना है तो इसको मैं बोलूंगा एक्स टू राइट ऐसे ही है और मैं इसके साथ ये वाले पाइप निशान या मोड का निशान लगा देता हूं जिसका मतलब है कि सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दो एप्सोल्यूट कर दो बचपन में जो मीन मीडियन मोड आपने पढ़े थे ये वाला मैथमेटिक्स का जो मोड है मोड है इसका मतलब ये होता है कि सारा कुछ किसमें कर दो पॉजिटिव में कर दो उसकी रीजन क्या है मोड होता क्या है असल में इसके बारे में जरूर देखिएगा बेसिक मैथ है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए हम मोड यूज करते हैं इसको क्या कहते हैं? ठीक है, right? है मेरा नहीं ख्याल आपको भूलने वाला मैंने आपको दोनों मिसालें दे दी उड़के जाने वाली एक पैदल जाने वाली अब मुझे आप बताएं विच डिस्टेंस इज मोर एक्यूरेट पता भी यूक्लिडियन डिस्टेंस इस वजह से ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा है वो अपने लतीफा ने सुना अगे लेट हो रहे हैं, तो तू कड़कों सड़की पा लिया वो एक बंदा जहाज में बैठता है ना वो पहले टैक्सी करता है ना जहाज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रनवे पे जाते वक्त कहना यार अगले लेट हो गए तो इन्हें सड़कों सड़की पा लिया सो द थिंग इज के सड़कों सड़की हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस होता है ठीक है कच्चे रास्ते अक्सर औकात होते तो खराब है लेकिन वो डायरेक्ट कम टाइम में आपको पहुंचा देते समझ आ गई बात की जी अब अगली बात करते हैं ये दोनों डिस्टेंस आपको समझ ठीक है अब मैं आपको एक डायग्राम में समझा देना है कि ये दोनों में फर्क क्या है डायग्राम ये कहती है कि अगर पॉइंट वन से पॉइंट टू का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना तो आपके पास या तो आप इसको फाइंड आउट कर लें या आप इसको फाइंड आउट कर लें तो अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं समथिंग लाइक दिस दिस इज यूक्लिडियन दिस वन इज मैन और मैनहेटन डिस्टेंस इस वजह से इस तरह सीढ़ियों की तरह माप, मापा जाता है ठीक है तो जब भी आप ये वाली ऐसी करके कोई डायग्राम देखें सो यू कैन सी देखेंटन डिस्टेंस है अब क्या होता है वही डिस्टेंस को आप छोटे छोटे पीसेज में अगर कन्वर्ट कर लें तो वो भी तो वही है ना सही है सो मैनहेटन डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है विद इन एलगोरिथम आप नहीं कर रहे होते इट्स गोइंग ऑटोमेटिकली ठीक हो गया अब पहली चीज मैंने आपको जो बताई थी मैं पीछे जाता हूं अपनी लेक्चर जहां से हमने स्टार्ट किया था कि डिस्टेंस मैट्रिक एक पहली चीज होती है के एन एन के अंदर के नियरेस्ट नेबर्स के अंदर राइट के नियरेस्ट नेबर के अंदर यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड मैन डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया क्यों क्योंकि जब अननोन को फाइंड आउट करना है ना नॉन से उसका डिस्टेंस हमने देखना है पहले जो हमने देख लिया अब अगली बात करते हैं ये बाकी आपने देखना मिनकॉक्स मिनकॉस की बड़ा आसान है वो भी ठीक है अब दूसरी जो चीज है डिस्टेंस मैट्रिक के अलावा सेकंड थिंग इज़ आपका वोटिंग मैकेनिज्म गली मोहल्ले के क्रिकेट की एग्जांपल देता हूं बड़ा मजा आएगा आपको सुन के कोई स्ट्रांग प्लेयर होता था ना दोनों कप्तान आपस में लड़ पड़ते थे मेरे हल खेलेगा मेरे हल खेलेगा ऐसे ही है और कोई बेचारे मेरे जैसे भी होते थे जो बारहवें प्लेयर होते थे फिर चलो दोनों पास होता था ना ऐसे इसको बोलते हैं वोटिंग मेकनिजम्स। वोटिंग मेकनिजम्स क्या कि एक आ गया ना लागे वाले ने रोला पा लेना मेरा 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 है 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 मेरा, है, मेरा है। जैसे यूनिवर्सिटी में होता है तेरी भाभी है नहीं समझ रहे बातों को क्यों मेरी है और तेरी है या लड़कियां भी अक्सर पता नहीं ऐसी बातें करती कि मैं एक लड़का हूं इस वजह से मुझे पता है कि मेरे दोस्त यू नो तो ये बातें होती थी ठीक है तो एग्जाम्पल मैंने इस वजह से दी है कि ये चलता है मतलब आप मुझे कह देंगे कि यार ये कौन सी मिसालें दे रहा है मैं नहीं दे रहा ये हमारी यूनिवर्सिटी हमारे, हमारे स्कूलों का कल्चर गंदा कल्चर है ठीक है और अगर मेरी मिसाल आपको बुरी लग रही है तो यकीन माने लगनी चाहिए और आपको थोड़ा सा खुद को देखना चाहिए या इसकी मिसाल और दे देता हूँ शादियों पे आप जाते हैं कोई बेचारा कमवारा लड़का हो और अच्छा कमा रहा हो तो सारी आंटियां उसके पीछे नहीं होती रिश्ता करा दी और अक्सर ओकात आपकी भाभी को पड़ी होती है कि इधर रिश्ता करवाना है क्यों जड़ी आने वाली है वो मेरी कदर करेगी सेम एनोलॉजी यहां पर है एक अनोन बंदा वहां पर फिर रहा है जो इर्द गिर्द लोग है ना उनको ये पड़ा है कि ये मेरी है या मेरा है या मेरी है मेरा है। मैंने इसको ज्यादा डील करना है सो इसको बोलते हैं वोटिंग या तो आप वेट की बेस पे वोट करते हैं कि किस पॉइंट का कितना वेट है बात करने का कुशयाना बाबा है ना शादी च वो गल मी भी नहीं जाती है अक्सर अक्सर औकात ऐसा होता है कुछ बुजुर्ग वार बात करके खुद अल्लाह को प्यारे हो जाते है, तो हैं तो पीछे बेचारे रोंदते रहते हैं बच्चे क्या दादे न होएगा समझने बात को उनकी बात का वजन तो होता है लेकिन वो गलत डिसीजन में अक्सर औकात हेल्प कर देते हैं या अच्छा भी हो सकता है डिसीजन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ और मैं कल्चरल एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ आपको समझ आए एक तो बात यह होती है वेट की बेस पे वोटिंग दूसरी बात होती है मेजोरिटी की बेस पे जिसे जमहूरियत कहा जाता है और ये लफ्स आजकल के दिनों में नहीं बोलना चाहिए सो वोटिंग वेट की बेस पे या होती है या मेजोरिटी की बेस पे यानी कि अगर ये कह रहे हैं ना कि ये मेरी क्लास के बंदे हैं ये वाला पॉइंट सो वी कैन से बेस्ड ऑन द वेट कि अच्छा भाई तुम्हारी बात का इतना वजन है क्या नहीं इन सारे पॉइंट्स में आर यू रियली रिप्रेजेंटिंग दैट क्लास या नहीं समझ रहे हैं बात को या तो आप उस क्लास का आउटलायर है अगर वो खुद आउटलायर है उस क्लास का उस क्लास के किनारे पे बैठा है तो उसकी बात मानी जाएगी कभी नहीं मानी जाएगी मिसाल मैं देता हूं बॉर्डर पे जो बेचारे फौजी खड़े होते हैं उनकी बात का कोई वजन होता है जो जो इस्लामाबाद में बैठा है या जो किसी कैपिटल में बैठा है उसकी बात का ज्यादा वजन होता है रीजन सेंटर के पास जितने पॉइंट्स हैं दे हैव मोर वेट अब समझ आई सेंट्रॉइड की बात

इस इस मामलात में देखते हैं एक मिसाल मैं और देता हूँ पे मैं बात नहीं करता लेकिन आपको डिफरेंट सिनेरियो में मैं बात करके एक, एक सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं और मैं पहले बता रहा हूं कि किसी से कोई न देने, ना, lecture, और उस लेक्चर में यह मिसाल जरूरी है दुनिया में एक कंट्री ऐसा है जिसकी बहुत बात सुनी जाती है वो कंट्री ने रिसेंटली तीन चार कंट्रीज का कंट्रीज का दिवालिया निकाला जस्ट इस वजह से उन कंट्री के लीडर किसी ऐसे कंट्री के साथ लिंक में थे जो नहीं होना चाहिए था ठीक है क्योंकि उस कंट्री के बात में वजन था वजह क्या है पावर तो वो क्यों पावर है क्योंकि उन उन कंट्रीज का पूरा एक जत्था बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कंट्रीज यूरोपीय यूनियन और ये सारी कंट्रीज जो है आप बात समझ रहे हैं ना तो जब एक चीज सेंट्रॉयड में होती है या मेजॉरिटी के अंदर होती है तो उनकी भी बात सुनी जाती है अब मेजोरिटी में क्या है आपके सारे पॉइंट्स अगर ये भी कह दे एक बात ये भी कह दे ये भी कह दे ये भी कह दे ये भी कह दे ये भी कह दे, ये भी कह दे। और ये बेचारे जो अंदर बैठे हैं ये जो मर्जी बोली जाए जब मेजोरिटी में कोई चीज आ जाएगी रखता है तो वोटिंग मैकेनिज्म की समझ आ गई है एक होता है वेट की बेस पे दूसरा होता है मेजोरिटी की बेस पे ठीक है जी दोनों समझ आ गई बात अब मैं आपको बताता हूं अब कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि ये मेरे पास एक ग्राफ है इसके अंदर ये ब्लू पॉइंट है ठीक है ये मेरे पास ग्रीन है और ये वाले रेड है और मेरा जो अननोन पॉइंट है येलो वो यहां पे आ गया एरिया में जितने आते हैं, या मैं टॉप फाइव नियर बाय पॉइंट देख लेता हूं अब आप मुझे बताएं देख के, के दो ग्रीन है यहां पे ठीक है ये वाले दो ग्रीन है तीन रेड है और दो ब्लू है तो मेजोरिटी किसकी है इसमें रेड की क्योंकि तीन रेड है अब इस वजह से अगर मेजोरिटी वोटिंग हम देखें तो ये पॉइंट बिलोंग्स टू रेड क्लास ठीक है मेजोरिटी वोटिंग अगर वेट की बेस पे देखें देन वी कैन से कि ग्रीन की जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी दूर जरूर हैं बट वेट उनका थोड़ा ज्यादा है क्यों क्योंकि वो बाकी पॉइंट्स भी उसके पास पास ही हैं सो वी कैन से कि वेट की बेस पे ये जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल वेट कैलकुलेट करना पड़ता है मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं तीसरी एक और चीज इसमें आती है बाउंड्री लाइन कि जब आप इसको असाइन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि उस बाउंड्री लाइन में बाकी क्लासेस भी आ रही सो वी विल सी दैट नाउ वेटेड वोटिंग और मेजोरिटी वोटिंग का आपको समझ लग गई होगी अब डिसीजन बाउंड्री की तरफ चलते हैं थर्ड पॉइंट इज डिसीजन बाउंड्री समझ आ रही बातों की या नहीं आ रही मैं अभी इन्ना जोर ला के अभी ना बोली जावा ये ना हो बाद चो मैं थक जा कहो यार ये दोबारा पढ़ा दें तो मुझे अभी बता दें अगर नहीं समझ आ रही सो आई कैन स्लो डाउन एंड वी कैन सी के किस तरीके से इसको पढ़ना डिसीजन बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री क्या चीज होती है ऐसी बाउंड्री विच सेपरेट्स डिफरेंट क्लासेस वही बाउंड्री जो एसबी हम के लिए थी बेसिकली तो हम अदर देते हैं डिसीजन इन, बाउंड्री है, ठीक है ये इनकी बाउंड्रीज बन गई अब के नियरस्ट नेबर की बेस पे पॉइंट आता रेड में ये वाला बट बाउंड्री के बेस पे ये ग्रीन में जा रहा है ऐसे ही है सो वी हैव टू दिस बाउंड्री थिंग एज वेल ठीक है और ये डिपेंड करता है कि डिसीजन मैट्रिक कौन सा है आपका अब आपको समझ आनी है कि डिस्टेंस क्या है रेड के साथ और ग्रीन के साथ अब इस वजह से ये तीनों पॉइंट्स देखे जाते हैं पहला है हमारा वोट डिसीजन मैट्रिक सॉरी डिस्टेंस मैट्रिक भैया डिस्टेंस मैट्रिक्स सेकंड वन इज वोटिंग मैकेनिज्म थर्ड वन इज डिसीजन बाउंड्री ये तीनों मिलके आपको पॉइंट को को क्लासिफाई करते हैं या हैं या उसको पॉइंट्स वैल्यू देते तीनों मिलके किसी एक का कोई इतना खास रोल नहीं है ठीक है तो तीनों चीजें आपने याद रखनी है कौन कौन सी मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं के एन एन के अंदर जो तीन मशहूर जवाना चीजें हैं दैट इज नंबर वन डिस्टेंस मैट्रिक्स मैट्रिक्स नंबर टू वोटिंग मैकेनिज्म एंड नंबर थ्री इज आपका डिसीजन बाउंड्री इसके अलावा और क्या चीजें मैटर करती हैं नंबर फोर एन ने नंबर ऑफ नेबर्स यानी कि के वैल्यू ठीक है ये चार चीजें आपके माइंड में रहेंगी आप अगर आप इन चार मैट्रिक्स को चेंज कर ले तो मेरे ख्याल से इजी है ना फिर बाकी काम ठीक है बाकी भी हाइपर पैरामीटर्स हैं बट दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए अच्छा जी अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी खसूसियात क्या है या इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है मैं पहले डिसएडवांटेजेस की तरफ इस वजह से जाऊंगा कि इसका आपको पता चल जाए कि ये क्यों खराब है डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सुस्त एल्गोरिथम है ठीक है क्योंकि इतनी इतना कुछ कैलकुलेट कर रहा है बाकी एल्गोरिथम सिर्फ इफ एल्स लगा के काम करी जा रहे हैं तो इसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना पीछे एक क्वेश्चन वो चली सेकंड बाउंड्री बना के चेक करना थर्ड नियरेस्ट नेबर चेक करने फोर्थ पर जब आप इसको डिफरेंट दे नेबर देते हैं फिर इसका काम और भी थकन वाला हो जाता है सो दिस इज लेजी एल्गोरिथम और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव सेम चीज है ठीक है मतलब ये कि कंप्यूटेशन करना इसके साथ बड़ा टाइम लेती है और कल मैंने आपको ये चीजें दिखाई भी थी ठीक है अब एडवांटेजेस क्या है इसके पहला एडवांटेज ये है कि जनाब आप रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन तो दोनों कर ही सकते हैं अदर देन दैट यू कैन आल्सो इंप्यूट नल वैल्यूज नल वैल्यूज इंप्यूट नल वैल्यूज नंबर दो एक क्वेश्चन यहां पे आया कि क्या जो कम्पिटेशनल एक्सपेंसिव है वो एक्यूरेट भी होंगे, वो ज्यादा होंगे वी कांट से एनीथिंग ज्यादा मेहनत का मतलब नहीं है तो उसे दूसरे दिन बिलियनर बन जाने समझने है बात को कुछ ऐसे काम भी हैं दो में आप पूरा कुआं निकलवा सकते हैं और अगर वही बंदे बैठ के सिस्टम पे काम करें तो वो सेम टाइम में लाखों भी कमा सकते हैं सो इट डजेंट मैटर कि मेहनत ज्यादा कर रहा है कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव है या नहीं कर कैसे रहा है क्या कर रहा है दैट डिपेंड्स ठीक है नल वैल्यूज को इंप्यूट कर सकते हैं पहली चीज सेकंड क्या है एडवांटेजेस के अंदर जारी बात है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन और बाकी काम तो यह करता ही है इसके हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना आसान है आई वुड से आप सिर्फ नंबर लिखें के का और आपका एक हाइपर पैरामीटर ट्यून हो गया सिर्फ नंबर ऑफ के तो ट्यूनिंग इज कदरेजी ठीक है एक और बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे माइंड में आया था अभी चले मेरे माइंड में आता तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ हाँ स्केलिंग का अच्छा जो चीजें याद रखनी है मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए इसके एल्गोरिथम को चलाने के लिए सबसे पहली चीज स्केलिंग इज मस्ट स्केलिंग स्केलिंग फीचर जिसे बोलते हैं यानी कि एक पॉइंट पॉइंट दूसरे पॉंट के पास पास हो ठीक है का नॉर्मलाइज होना जरूरी है अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा वो आपको भी पता है ये जो बात मैंने की थी ना वेट वाली अगर आपका डेटा नॉर्मलाइज नहीं होगा ना तो जो डेटा के अंदर बहुत दूर पॉइंट पड़ा है ना यहाँ पे उसने भी अपनी बात कहने से डरना नहीं है समझ रहे हैं बात को तो इस वजह से डेटा नॉर्मलाइज होना जरूरी है देन नॉर्मलाइज के बाद रिमूव्ड रिमूव वरना डिसीजन में मसला होगा आपको समझ रहे हैं बात को समझ ये तीन मेजर पॉइंट आपने याद रखने हैं ओके जी। तो ये हमारे पास जो भी हमने चीज देखी है दैट वाज रिलेटेड टू आपका एल्गोरिथम जो भी मैंने आपको बताया के नियरेस्ट नेबर के नियरेस्ट नेबर एक ऐसा एल्गोरिथम है अगर आपको इसकी समझ है ना तो नल वैल्यूज आपके लिए हलवा है ना, है ना अगर नल वैल्यूज तो आप फौरन से कहेंगे कोई मसला नहीं अभी इंप्यूट हो जाती है ठीक है तो अगला जो अभी मैं आपको टास्क देने वाला हूँ और काम हम करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू इंप्यूटेशन ऑफ नल वैल्यूज

इस वजह से इनशाला अभी हम नल वैल्यूज के चैप्टर पे जाते हैं मैं यहां से अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और अभी के नहीं, नहीं नेबर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कैन आस्क और मीन वाइल